सिग्नेचर स्टेप भी आपने सिखाए सबको <laughs> तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले तो प्लीज एक बार वो सिग्नेचर स्टेप जरूर करके दिखा दें जी जी सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत स्वागत जो भी सब लोग यहाँ पधारे हैं बहुत-बहुत स्वागत और हमें लगता है वो सिग्नेचर स्टेप थोड़ी देर में कर लेते हैं पहले कोई और बात अगर करना चाहे या जो भी आपका प्रोग्राम है

लेकिन वो ओम हरि अल्लाह की जब कृपा होती है तो इंसानों से ऐसे काम ले लेता है तो यही हमारे पास जवाब है और ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे हम ये बता सके कि काम कैसे किया आ, हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हैं हमारे फाइट मास्टर आवाज़ जी हैं जितने भी एडिटर साहब हैं वो बच्चे भी हैं जो हमारे साथ आ, फाइट किया करते थे तो हम एक साथ तो कैसे हो जाता था सब लोग हम बैठे बैठे खड़े खड़े डिजाइन बना लेते थे कोई हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं था वहीं स्टोरी बोर्ड बनता था डंडे से ही क्यों क्यों ना ऐसे ना कर लें असल तो बातों से होता था तो ये सब हम तो यही मान के चलते हैं कि शायद ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता जो एक इंसान इतना सब कर सकता है तो क्या हम इसे नेचुरल पावर या पावर ऑफ पावर ऑफ गॉड कह सकते हैं उसकी शक्ति है इसमें कोई दो राय नहीं ये तो आपने अभी जैसे देखा होगा बहुत सारे ऐसे कार्य आपने देखे हैं कि हम ए टू जेड कर लेते हैं आ... थर्टी टू नेशनल गेम ऑलरेडी हम खेले हैं उनके कोच भी हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे इंडिया के लिए मेडल ला रहे हैं विजेंद्र ने अभी अभी मुक्केबाजी में पूरे देश का नाम रोशन किया विराट कोहली आप उनकी वीडियो है हमारे पास आप देख सकेंगे कभी कि उन्होंने कैसे आके हमसे सीखा था और आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो ऐसा हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं है ये करने वाला ओम अल्लाह राम है क्योंकि वो शक्ति देता है वरना एक इंसान इतने काम सोच भी नहीं सकता करना तो बहुत दूर की बात है तो जब भी आपने नाम लिया है अपने सेवा जो क्रिकेटर्स एंड ऑल तो वो कभी आपका नाम लेते कभी दिखाई नहीं दिया सर ऐसा क्यों वो चाहे ना लें लेकिन आपको जल्दी ही हम उनकी वीडियो भी दिखाएंगे जब वो छोटे से बच्चे थे बच्चे नहीं कह सकते यूथ थे वो हो गए शिखर धवन हो गए जगदीश नेहरा है जहीर खान है यूसुफ पठान बिल्कुल ऐसे हुआ करते थे जब वहाँ गए थे और बताया करते थे कि मस्जिद में मैं हम लोग रहा करते थे और कैसे वो आगे आए तो उन्होंने आके हमें बोला बकार जो निस्से तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हमारे पास आया करते थे और वो पूछा करते थे क्योंकि हम खुद प्लेयर हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद उनके साथ हुई तो वो जानते हैं वो नाम नहीं लें उनकी मर्ज़ी ले ना लें लेकिन वो हमसे ऐसा पूछा था उन्होंने हमसे बहुत उनको बताया भी था सिखाया भी था अच्छा गुरु ये मूवी अपना कितने दिन में शूट हुआ है ये अगर दिन काउंट करें और घंटे 298 घंटे 298 जो घंटे हैं इस पे लगे हैं क्योंकि बीच-बीच में हमें सत्संग करने जाना पड़ता था टाइम पीरियड उस तरह से नहीं अगर काउंट करें तो 25 दिन जो मान के निकाले गए कि 25 दिन में ये पूरी मूवी शूट हुई आ, सो बाबा जी जैसा अब चूंकि आप बॉलीवुड में हैं बॉलीवुड के और प्रोफेशनल एक्टर्स जैसे ऋतिक हो या अक्षय वगैरह Uh, उनकी तरह आप भी क्या कुछ वर्सेटाइल अपना एक्टिंग प्रूव करना चाहेंगे क्योंकि अभी तक आपने खाली एम सीरीज की मूवीज ही की हैं तो उसके बाहर भी क्या आप कोई और मूवीज करेंगे जैसे बॉलीवुड टि की टिपिकल मसाला मूवीज लाइक दबंग एंड ऑल दैट हम मसाला तो नहीं ज्यादा लगाएंगे <laughs> 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 और वो वाला मसाला कभी भी नहीं जिससे समाज बिगड़े हाँ बाकी सच्चाई वाला मसाला नहीं वो हकीकत जो है वो हम करते रहेंगे काफ़ी लोगों ने अप्रोच भी किया है अभी जैसे ये मूवी आई इससे पहले एक मूवी बन के तैयार हुई है वो है ऑनलाइन गुरुकुल तो उसमें ये दिख पूरा एक जैसे अवतार मूवी आई थी उससे भी एक वो बड़ी मूवी है जो तीन घंटे तक चली गई हमने बहुत जोर भी लगाया कि कम हो तो उसमें ये चीज़ें दिखाएगी कि पहले कैसे होता तो इस टाइप की मूवी हम करना पसंद करते हैं कि जिससे समाज में बदलाव आए आ, हम कैसी एक्टिंग करेंगे कैसा नहीं वो तो आप लोग जाने आपको एम टू अभी तक चल रही है लगभग एक साल होने वाला है लोगों को बड़ी पसंद आई है पांच छह शो उसके कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं और हमें लगता है कि अगर आप लोगों को वो पसंद आती है तो हमारी की जो बात है एक्टिंग है वो सही है और आपको अगर पसंद नहीं आती तो हमें लगता है हम और सुधारेंगे ताकि आज के नौजवान और उसको अच्छे से देखें और आगे बढ़ जाएं बाकी अलग से कुछ वो मसाला वसूला कभी सोचा नहीं है